वेलकम बैक दोस्तों, आपका नागपुर रेंजर्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज यूट्यूब पे नागपुर रेंजर्स चैनल सर्च करें और प्लेलिस्ट में जाके आप गूगल न्यूज सेक्शंस के ये तीन वीडियो है, गेट एंड एज, गेट एंड एज, गूगल न्यूज कंटेंट पॉलिसी और माइनर चेंजेस इन वर्डप्रेस वेबसाइट, प्लीज जरूर देखिए। कोई भी वीडियो स्किप ना करें। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी साइट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपके साइट को गूगल न्यूज अप्रूवल मिले, सो प्लीज अगेन रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो स्किप ना करें, डिटेल में देखिए। थोड़ा देर शायद आपको बोर हो या मेरा कॉन्वर्सेशन अच्छा ना लगा हो, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट है दोस्तों, तो मैं काफी प्रोफेशनल नहीं हूँ ये सब चीजों में। जस्ट मैं एज अ ले पर्सन मैं चाहता हूँ कि जो चीजों से मुझे हेल्प हुई है उसी चीज वो आपको भी मेरे नॉलेज से या मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी हेल्प हो। ओके सो आपको हो सकता है कि लैंग्वेज पसंद ना आए या जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ पसंद ना आए, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करोगे तो आपकी 100% आपकी साइट गूगल न्यूज में अप्रूवल आपको मिल जाएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट जो वीडियो है गेट एंड एज योर वेबसाइट, सेकंड गूगल न्यूज कंटेंट पॉलिसी और थर्ड ये। सो आपको जो सीक्वेंस है, आपको ये सीक्वेंस है कि फर्स्ट आपको गूगल न्यूज कंटेंट पॉलिसी देखनी है, देन माइनर चेंजेस इन वर्डप्रेस साइट देखना है, देन एज योर वेबसाइट देखना है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जब गूगल न्यूज के लिए आपकी साइट के लिए सबमिशन करना चाहेंगे तो आपको स्टार्टिंग से मेक श्योर करना है कि आपके साइट में आपने कोई भी कंटेंट का वायलेशन ना किया किया नहीं हो। वो हमने ये सारे इस वीडियो में बताया, प्लीज जरूर देखें। सेकंड वीडियो में हमने बताया कि आपको आपके साइट लेवल पे क्या क्या चेंजेस करने होंगे, कि सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी सारी चीजें जो गूगल और भी चीजें देखता है आपके साइट में, कि आप वो सब चीजें फॉलो कर रहे हो या नहीं है, तो ये हमने इस वीडियो में बताया। थर्ड वीडियो में हमने आपको बताया है कि आपको अगर सेकंड वाले वीडियो में काफी सारे चेंजेस जो आप खुद से नहीं कर सकते और आप डेवलपर भी अपॉइंट नहीं करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि कौन सी थीम लेनी है। हमने काफी रिसर्च के बाद ये पांच थीम ढूंढे और हमने देखा है कि हमारे ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट इन पांचों थीम्स में अप्लाई करने के बाद हमारे साइट में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो ऑटोमेटिक हुए हैं, और हम गूगल न्यूज के लिए हमने जब साइट सबमिट किया तो हमारे अप्रूव भी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने ये पांच न्यूज थीम के आपको नाम दिए और लिंक्स दिए, आप जाके देख सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। ओके सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज कि हमको ये सारे तीनों चीजों आप फॉलो करने के बाद में हमको साइट कैसे गूगल पब्लिशर सेंटर में सबमिट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम डिटेल में देखेंगे। सो मैंने एक डमी साइट क्रिएट की है, ऑब्वियसली वो साइट कभी अप्रूव नहीं होगी क्योंकि साइट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जस्ट आपके डेमो पर्पस के लिए, आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने वो एक डोमेन परचेस करके उसको सबमिशन के लिए डाला था। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि फंडू कंटेंट नाम से मैंने डोमेन लिया है जो कि ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट इसलिए कि ये साइट एग्जिस्ट नहीं करती है। आप देखोगे अगर ये साइट, तो ये साइट बंद है। ओके सो साइट ऐसी कोई साइट ही नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, बस ये डोमेन मैंने परचेस करके रखा है। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप गूगल न्यूज के लिए अप्रूवल आप ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपका स्टेप है, ये लैंडिंग पेज मिलेगा आपको, एड पब्लिकेशन पे क्लिक करना है आपको। आप पब्लिकेशन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मेरा फंडू कंटेंट था तो मैं एफसी दे सकता हूँ, या जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सेव करना ही है। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे गूगल ने एक अपना पब्लिकेशन सेंटर का टैब ओपन किया है, जहाँ पे काफी सारे सब टैब्स है, जनरल कंटेंट, इमेज, एड्स, एडवांस रिव्यू एंड पब्लिश, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है गूगल को। तो फर्स्ट सेक्शन में आपका पब्लिकेशन का नाम होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, सेकंड आपको आपके साइट का डिस्क्रिप्शन देना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा आप आपके साइट का फुल नेम दे, जैसे अगर फंडू कंटेंट, मैं ये यूज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी सबमिटेड है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो google.com ही अगर मैं लेता हूँ, तो आपको आपके साइट की यहाँ पे शॉर्ट में इन्फो प्रोवाइड करनी है। आप क्या करोगे, ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताना है, मोस्टली आप ऐसा लिखिए कि आप कोई एक न्यूज वेबसाइट है, आप न्यूज कैटर करते हैं, किस किस टाइप की न्यूज कैटर करते हैं, आप कौन से टाइप के न्यूज डिलीवर करते हैं, तो आपको न्यूज रिगार्डिंग ही थोड़ा सा लिखना है ताकि गूगल को ये ट्रस्ट हो जब रिव्यू हो कि ये सच में न्यूज वेबसाइट ही है। ओके नेक्स्ट कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी में आपकी साइट होगी, अगर एंटरटेनमेंट के आप न्यूज प्रोवाइड करते हो तो आप एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करें, आप ऑटोमोटिव के न्यूज प्रोवाइड करते हो तो ऑटोमोटिव, बिजनेस फाइनेंस है तो बिजनेस फाइनेंस, आप जिस भी डोमेन में आपका वेबसाइट होगा वो डोमेन आपको सिलेक्ट करना है। मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए एंटरटेनमेंट डाल रहा हूँ आपको बताने के लिए।
तो जैसे मैंने लिखा कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में तकलीफ हो रही है तो आपके वेबसाइट का जो आपने अबाउट अस कंटेंट लिखा है उसमें से जो कोर पार्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पर ध्यान रखें कि ये बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे गूगल ने आप बताया कि आपको विद इन 140 कैरेक्टर्स आपको ये सम अप करना है, तो ध्यान रखें कि आप 140 कैरेक्टर्स में जो बहुत रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ही आप यहाँ पे डालें। ओके, आपके साइट का प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, आपका साइट हिंदी में आर्टिकल दे रहा है या आप इंग्लिश में दे रहे हैं, आपको वो सब सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट है वन, एक और चीज ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, आप जिस भी पब्लिकेशन अकाउंट से आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं मेक श्योर उसी जीमेल अकाउंट को साइट का एनालिटिक्स और वेबमास्टर एक्सेस होना जरूरी है, क्योंकि गूगल वेरीफाई करता है कि आपका आप जिस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डोमेन आप ही ओन करते हैं या नहीं है। ओके, तो ये जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका साइट आप खुद ओन करते हो या नहीं हो, बिकॉज ये भी हो सकता है कि कोई आपके नाम पे साइट चला रहा है और वो गूगल पब्लिकेशन में अप्रूव कर रहा है बिना आपको इन्फॉर्म किए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे fallucontent.com, आपको सर्च वेरीफाई सर्च कंसोल करना है, गो टू सर्च कंसोल होगा यहाँ पे। अभी मेरे यहाँ पे आपको डोमेन डालना होगा, मैं यहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि ऑब्वियसली फेल होगा, मैंने इसके पहले वेरीफाई कर चुका हूँ तो ये फेल ही होना है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे। बट ठीक है, एक ट्राई करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि इट विल वर्क और नॉट, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये साइट एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी ये मुझे ये क्यों दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी साइट एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए मैं इनमें से कोई भी पैरामीटर्स के थ्रू मेरी वेबसाइट वेरीफाई नहीं करा सकता, लेकिन जब मेरी वेबसाइट थी तब मैंने इसे वेरीफाई कराया था। ओके, यहाँ पे नहीं चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस मेरे इसमें। ओके, So, अगर आपका तब वेरीफाई हो चुका रहेगा डोमेन, अगर आप वेबमास्टर है तो वेरीफाई होके वापस से आप इसी पेज पे रिडायरेक्ट करोगे और यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आएगा। ओके, देन आपको आपका लोकेशन सेट करना है कि आप इंडिया से हो या कहीं और साइट रन कर रहे हो, प्राइमरी कंट्री कौन सी आपकी, लोकेशन आपका क्या है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपको आपका बिजनेस ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है दोस्तों, और आप मेक श्योर करें कि आप ये टेक्निकल और प्रोडक्ट अपडेट दोनों मार्क करें। तो आपको इस टाइप का ईमेल आईडी देना है, जैसे info@, मुझे अगर रहेगा तो मैं डालूंगा fundu content.com। जब मैं ये डालूंगा तो यहाँ पे आएगा अनवेरीफाइड, ठीक है। जब मैं इसे कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे वो बोलेगा रिसेंट लिंक, जैसे आपने देखा यहाँ पे आया है फर्स्ट टाइम रिसेंट लिंक, तो इस ईमेल आईडी पे मुझे कंफर्मेशन लिंक जाएगी कि ये ईमेल भी एग्जिस्ट करता या नहीं करता, वो गूगल यहाँ पे हमारा चेक करेगा इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखना है, आपका जो न्यूज बनेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड रखना है या अलाउड टू स्पेसिफिक कंट्री रखना है। अगर आपका हिंदी में कंटेंट है तो आई वुड रिकमेंड कि अलाउड टू स्पेसिफिक कंट्री सिलेक्ट करके आप यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर ले, इंडिया सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज आप वर्ल्ड वाइड रख सकते हैं। ओके, सेकंड चीज गूगल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आपको मार्क करना है कि अलाउ ऑल प्रॉपर्टीज, गूगल को सभी प्रॉपर्टीज का लिए अलाउ करें आप। ओके, नेक्स्ट है ट्रैकिंग, सो इस ट्रैकिंग में आपको आपके वेबसाइट का एनालिटिक्स कोड यहाँ पे डालना है। मेक श्योर करें आप एनालिटिक्स कोड अपने ही साइट का डाले, कोई गलत एनालिटिक्स कोड ना डाले, अदरवाइज आपको गूगल एनालिटिक्स में दिखेगा नहीं कि आपको सच में रेफरल जो विजिटर्स है वो गूगल न्यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, आपको इसको सेव कर लेना है। ये आपके चेंजेस सेव होने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका कंटेंट, कंटेंट सेक्शन देखिए, जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, अभी जैसे गूगल ने दिसंबर 2019 में अनाउंसमेंट किया था कि अब आपकी साइट गूगल न्यूज टैब में डायरेक्ट नहीं आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ।
पिंक विला। तो न्यूज सेक्शन में जो ये डेस्कटॉप वाला न्यूज सेक्शन आप देखोगे कि जितने पुराने वेबसाइट है जो दिसंबर 2019 में अप्रूव है उनके डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं, नए वेबसाइट के फिलहाल नहीं आते। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, अगर आप कंटिन्यूअस आपकी फ्रिक्वेंसी मेंटेन रखेंगे 8 से 10 आर्टिकल पर डे और आपको ये 2 से 3 महीने रखना है, आपके साइट के आर्टिकल्स भी ये सेक्शन में इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने देखा है काफी सारे फोरम्स पे कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके आर्टिकल्स न्यूज सेक्शन में नहीं आते डायरेक्टली, उनके इस तरीके से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे news.google.com। पिंक विला देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से अभी जो भी नया साइट अप्रूव हो रहा है पहले उनका पब्लिकेशन ऐप क्रिएट होगा और इस तरीके से आपका व्यू रहेगा। सो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन जो है वो ये वाले मेन्यूज क्रिएट करेगा। आप आपके साइट के मल्टीपल कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेक श्योर करें आप सिर्फ वही कैटेगरी सबमिट करें जो प्योरली न्यूज डिलीवर करती हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ गूगल न्यूज रिलेटेड आर्टिकल हो। ओके So, आपको ये कैसे करना है ये बता देता हूँ। आपको न्यू सेक्शन पे क्लिक करना है, फीड्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप नाम दोगे, लेट्स कंसीडर आपका नाम होगा मोबाइल न्यूज, आपका कैटेगरी है मोबाइल न्यूज या क्राइम न्यूज लेते हम क्राइम न्यूज। ओके आपको आरएसएस फीड कैसे डालनी है आपकी, देखिए दोस्तों मेक श्योर करें। अभी मेरा जो डोमेन है वो विदाउट www अप्रूव्ड था और अभी बंद है, इसलिए मैं आपको हर चीज इधर डिटेल में इस पर्टिकुलर साइट के साथ नहीं दिखा सकता। बट अगर आप चाहते हो तो मैं पिंक विला का एक एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे लेट्स कंसीडर करते हैं हम इनका वेब सीरीज कैटेगरी ले रहे हैं, तो ये वेब सीरीज हमने कॉपी की। आप ध्यान रखिए कि आपका जो डोमेन है, जैसे अगर आपका HTTPS के साथ है विद www है तो वैसे ही आप गूगल न्यूज में भी सबमिट करें सबमिट करते वक्त, और वैसे ही आप कैटेगरीज में भी सबमिट करें। ओके तो हम ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसे डालना है स्लैश फीड्स लिखना है, यहाँ पे आप लिखोगे वेब सीरीजेस न्यूज। ओके अभी मेरे अगर केस में अगर हम हमारी वेबसाइट करें fundocontent.com डालूंगा मैं, फीड्स लिखूंगा स्लैश ऐड करना आखिरी में, व्यू एक्सेस आपको एनीवन कोई भी आपकी फीड्स देख सकता है, आपको एनीवन सिलेक्ट करना है, जनरेट आर्टिकल डायरेक्टली फ्रॉम फीड ही रखना है, इसे चेंज ना करें, बाय डिफॉल्ट जो है यूज AMP वर्जन आपको सेट करना है। ओके और ये जो सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है रिकमेंडेड आपको वही रख के ऐड कर देना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपका यहां पे पर्टिकुलर मेन्यू क्रिएट हो गया और उससे रिलेटेड URL हो गई। अगर आपकी साइट लाइव होगी तो आपको ये सेक्शन में आर्टिकल में लगभग आप सबमिट करने के 1 या 1.5 घंटे बाद इनिशियली आपके इस पर्टिकुलर कैटेगरीज के आर्टिकल यहाँ लिस्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके आप ऐसे मल्टीपल मेन्यूज ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने आपको दिखाया पिंक विला ने एंटरटेनमेंट वीडियो फैशन टीवी रीजनल स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ये सारे कैटेगरीज ऐड किए, आप भी आपके सारे कैटेगरीज के URL यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन था ये आपका पर्टिकुलर पब्लिकेशन ऐप रिलेटेड था। सेकंड कंटेंट लेवल में आपको बताना है कि अगर आप वेब सीरीज वाला जो कंटेंट है आपका fundocontent.com, देखिए आपने देखा होगा कि ये एरर दे रहा था, अगर मैं पिंक विला को रेफर कर रहा हूँ और पिंक विला का नाम यूज कर रहा हूँ तो बोलता है कि URL मस्ट बिलोंग टू पब्लिकेशंस वेरीफाइड वेबसाइट प्रॉपर्टी ओनली। आपने देखा है कि हमारा जनरल कंटेंट में हमने देखा था कि मेरी वेबसाइट हमने वेबमास्टर से वेरीफाई की है, उसके बाद ही हम वो अलाउ कर रहा हमको उसके लिए पब्लिकेशन ऐप क्रिएट करने के लिए। ओके यहाँ पे आपको लेबल सिलेक्ट करना है कि आपका ओपिनियन रिलेटेड आर्टिकल है या यूजर जनरेटेड है, सटायर है, प्रेस रिलीज है या ब्लॉग है। तो आप मेक श्योर करें कि यूजर जनरेटेड लिखे या प्रेस रिलीज ले, बट अभी फिलहाल जो गूगल का नया एल्गोरिथम है उसमें उन्होंने बोला है कि वो प्रेस रिलीजेस वाले आर्टिकल्स को ज्यादा अथॉरिटी नहीं देंगे क्योंकि सेम आर्टिकल सेम वर्ड्स में काफी सारे साइट्स पे हो सकता है। सो गूगल अवॉइड कर रहा है कि प्रेस रिलीजेस आर्टिकल्स को वो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे। ओके
तो आप यूजर जनरेटेड लिख सकते हैं, अगर आपका साइट ओपिनियन रिलेटेड है, पोल रिलेटेड है, तो आप ओपिनियन लीजिए। आपका साइट प्योरली ब्लॉग साइट है तो आप ब्लॉग साइट से कंसिडर कर सकते हैं, आप मल्टीपल भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो आप मल्टीपल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको ऐड पे क्लिक करना है, ऐसे ही आप मल्टीपल, आपको जो भी आप कंटेंट लेबल्स में ऐड करोगे वो यहाँ पे, सॉरी, जो भी आप सेक्शंस में ऐड करोगे वो सेम आपको कंटेंट लेबल में भी ऐड करना है यूआरएल, बट यहाँ पे विदाउट फीड। ओके, यहाँ पे प्योरली आपको साइट का ही यूआरएल देना है। ओके, आप यहाँ पे एक और ऑप्शन है, पूरे साइट वाइज भी आप लेबल सेट कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर एक एक लेबल सिलेक्ट नहीं करना और आपकी साइट प्योरली प्रेस लिस्ट है, तो आप प्रेस लिस्ट सिलेक्ट कर लो। आपकी यूजर जनरेटेड है तो आप यूजर जनरेटेड सिलेक्ट कर लो, तो सारे कैटेगरीज को सेम लेबल अप्लाई हो जाएगा। और वेरीफाइड यूआरएल ओनरशिप जो है, ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने ये ऑलरेडी वेरीफाई किया है वेब मास्टर, जब ये साइट हमने 10-15 दिन के लिए लाइव की थी, तब हमने जस्ट डेमो पर्पस के लिए ये कर रखा था। आप देखोगे यहाँ पे कि ये वेरीफाइड हो गया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी डोमेन जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आपने पब्लिशर में लॉग इन किया है, उस जीमेल की ईमेल आईडी को साइट का वेब मास्टर का और एनालिटिक्स का एक्सेस होना जरूरी है, तभी आपका डोमेन वेरीफाई होगा और तभी आप पब्लिकेशन ऐप में सबमिट कर पाओगे। ओके, सो हमारा ये हो गया कंटेंट वाला पार्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाइड है। इमेजेस, इमेजेस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके लोगो सेट करने, आपको जो फर्स्ट लोगो है स्क्वायर लोगो, उसका डायमेंशन गूगल ने दिया, मेक श्योर वो जेपी जो रिकमेंडेड जो है वो फॉर्मेट है पीएनजी, बट आप जेपीजी भी सपोर्ट करोगे तो चलेगा। और रिकमेंडेड साइज है 100x100 पिक्सल का, और ये रिकमेंडेड है बट मिनिमम उनको चाहिए 512x512 का। ओके, उसके बाद में वाइड लोगो उन्होंने बोला है कि आपका रेक्टेंगल लोगो भी आप सेट कर सकते हैं, एड लाइट थीम लोगो और डार्क थीम लोगो। तो लाइट थीम लोगो में आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं, डार्क थीम में अगर ब्लैक थीम है आपका तो आप नॉर्मल लोगो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ टेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसा किया या हिंदुस्तान टाइम में। इनके लोगो देखिए, छोटे से स्क्वायर लोगो और यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान लिखे है, या आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं कि इनका सिर्फ टीओए स्क्वायर लोगो है, बाकी ये सिर्फ टेक्स्ट है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आपको जाना है, नेक्स्ट पार्ट है एड्स। तो यहाँ पे आपका, आपको एडसेंस अकाउंट लिंक करना है। अगेन अगर आपको एडसेंस अकाउंट लिंक करना है, तो सेम जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर रहे हो उसी ईमेल को एडसेंस का एक्सेस भी होना चाहिए, तो ही आप एडसेंस लिंक कर सकते हैं। और आप यहाँ पे गूगल को बोल रहे कि 30% आप हमारे एड्स मैनेज करो, बाकी हम फिल कर लेंगे। तो 30% ये जो एड्स है, ये गूगल पब्लिकेशन ऐप पे जो भी न्यूज दिखेंगे उसमें 30% एड गूगल ऑटोमेटिकली सेट करेगा। अगेन एड्स का रेवेन्यू हमें ही आएगा, सिर्फ गूगल मैनेज करेगा क्योंकि हमने हमारा एडसेंस अकाउंट लिंक किया है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है फिलहाल, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना मेक श्योर करें आपका ये अनचेक ही हो। नेक्स्ट पे आप क्लिक करना है आपको, देन एडवांस। एडवांस में अगर आपको ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन ऐप का किसी और भी आपके फ्रेंड कलीग को एक्सेस देना है, तो आप यहाँ पे ग्रुप नेम क्रिएट कर सकते हैं, पार्टनर्स, देन एड यूजर। आप उस पर्टिकुलर यूजर को इस पब्लिकेशन ऐप का आप एक्सेस दे सकते हैं, तो वो भी अपने ईमेल आईडी से बाद में इसे एक्सेस कर पाएगा। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही रहने देना है। फॉन्ट, अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट में ही आपका पब्लिकेशन ऐप में दिखे, तो आप यहां से फॉन्ट सिलेक्ट करके फॉन्ट अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट गूगल ने अपना फॉन्ट सेट किया है उस फॉन्ट में आएगा। ये सारा डिटेल होने के बाद में जब आप पब्लिश, रिव्यू एंड पब्लिश पे जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपके सेक्शंस जो है वो एम्प्टी है। अभी ये मेरे केस में आएगा, मे भी आपके केस में भी हो सकता है। इनिशियली 1 या 1.5 घंटा आपके यहाँ पे सेक्शंस में कंटेंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि गूगल को आरएसएस फीड रीड करने में टाइम लगता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका, आप डायरेक्ट पब्लिश पे क्लिक ना करें, यहाँ पे आपको पब्लिश, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक ना करें, आप यहाँ पे आके रुक जाए, 1-1.5 घंटा वेट करें, वापस से इस पेज को रिविजिट करें और देन ये साइट आप पब्लिश के लिए सबमिट करें फाइनल। ओके, सो अगर आप इस रिव्यू पे क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है कि यहाँ पे आर्टिकल कंटेंट एम्प्टी है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आया, आप देख सकते हैं, और आएगा भी नहीं क्योंकि साइट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कंटेंट कहाँ से पुल करेगा, राइट? सो ये नहीं आएगा।
जब आप देखोगे कि आपके यहाँ पे कंटेंट आ गए, आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिखेगा। अभी मैं एक्चुअल मेरे वेबसाइट का दिखाता हूँ, ये हो गया रेफरेंस वेबसाइट। मैं अभी आपको मेरे वेबसाइट का दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों मैंने ये सारे डिटेल्स ऐड कर रखे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आप देख सकते हैं मेरा डोमेन भी वेरीफाइड है विद HTTPS है। ओके, ये मैंने सारे डिटेल्स ऐड कर रखे हैं। मैंने यहाँ पे किया है कि अलाउ स्पेसिफिक टू इंडिया, तो मेरा साइट से भी इंडिया में ही पब्लिकेशन ऐप में दिखेगा। ट्रैकिंग कोड ऐड कर रखा है। कंटेंट में आप देख सकते हैं कि मैंने ये नागपुर न्यूज़ का, जो हमारा नागपुर का साइट है, तो नागपुर की न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे मेरे फीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ गए मेरे साइट के, आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हमने यहाँ पे इमेज ऐड किया है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये सारे डिटेल्स ऐड किए हैं। गूगल को अगेन हमने 30% का ही एक्सेस दिया एड्स का। एडवांस में मैंने किसी को ये पर्टिकुलर मेरे इसका एक्सेस नहीं दिया है किसी को भी। रिव्यू एंड पब्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है कि ये ऑलरेडी किसी इसमें किसी सेक्शन में कंटेंट एम्प्टी है या नहीं है। और ये रहा स्नैपशॉट व्यू, जब आपके प्रॉपर कंटेंट आ जाएंगे तब आपको यहाँ पे स्नैपशॉट व्यू दिखेगा, आप ये रेफर कर सकते हैं। सो दोस्तों आपका जब पब्लिकेशन ऐप अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद में आपका टेस्टिंग और पब्लिकेशन का आपको एक परमानेंट लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा पब्लिकेशन ऐप दिख रहा है। सेकंड चीज, जब आप सबमिट कर देंगे दोस्तों, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी साइट कम से कम 3 से 4 हफ्ते आपका अंडर रिव्यू रहेगा। 3 से 4 हफ्ते बाद ही आपको एक्चुअल रिव्यू का स्टेटस पता चलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा हो गया पब्लिकेशन ऐप रिलेटेड पूरा काम खत्म। इसके बाद आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है और मेक श्योर करना है कि आप जो भी साइट आपने अप्रूवल के लिए डाला है उसमें आप कंटिन्यूअस डेली 3 to 4 आर्टिकल्स मिनिमम पब्लिश करते रहे। और स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि स्टार्टिंग में आप सिर्फ 1 या 2 कैटेगरी के लिए ही सबमिट करें। एक बार अप्रूव हो जाए तो आप मल्टीपल कैटेगरीज उसमें कभी भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो इस YouTube चैनल में हमने आपको बताया, वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको कौन से थीम यूज करने हैं, कौन से थीम के क्या एडवांटेजेस है। आप जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस पे क्लिक करके अगर आप जाओगे तो, अगर हम ये कंसिडर करते जाना थीम, तो जाना थीम का जो है ये रिसेंटली अपडेट भी उन्होंने रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं 26 जुलाई को उन्होंने नया अपडेट लाया उनका, उसमें काफी सारे उन्होंने फिक्सेस किए जो कि गूगल न्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ये थीम, मैंने तो ये थीम एक दो साइट्स में लगाया है, और भी काफी सारे थीम्स हैं जो हमने बाकी साइट में, जैसे हमने जॉक थीम ट्राई किया, न्यूज़पेपर थीम ट्राई किया है, जाना किया है, सहीफा यूज किया है, न्यूज मैक्स हमने एक ही साइट में यूज किया अब तक, बट वो साइट भी अप्रूव्ड है तो हमें कोई चैलेंजेस नहीं लगे। बट हमारा जो बेस्ट रिजल्ट अभी तक हमको मिला है वो जाना थीम के साथ मिला है। आप जाना थीम विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है जाना थीम पे। ये थीम का कॉस्ट जो है ये अराउंड $59 है। आप बाहर देखिए तो 59 और $2 जो है ये थीम फॉरेस्ट वालों का, मीन्स इवेंटो मार्केट वालों के चार्जेस है इसमें। सो दोस्तों प्लीज आप हमें बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज जरूर कमेंट करें। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं गूगल न्यूज पब्लिकेशन में आपकी साइट सबमिट करने में, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपके इश्यूज के हम आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। बट अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मे बी इट्स इरिटेटिंग फॉर यू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल द टिप्स विच वी हैव प्रोवाइडेड इन दिस 3 वीडियोज। मेक श्योर यू मस्ट विजिट दिस चैनल एंड वॉच ऑल दिस 3 वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट यू शुड चेक गूगल न्यूज कंटेंट पॉलिसी, सेकंड माइनर चेंजेस इन वर्डप्रेस साइट, एंड द थर्ड वन इज विच थीम इज सुटेबल फॉर योर साइट टू गेट अप्रूव इन गूगल न्यूज। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपका ज़्यादा टाइम ना लो लिया हो। और अगर आपका साइट हमारी ये वीडियो देखने पे अगर आपको अप्रूवल मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप आके हमें मैसेज करें, काफ़ी खुशी होगी अगर हमको होता है, और बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इससे। थैंक यू वेरी मच।